आज का टॉपिक है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन 1957 में मिजेलसन एंड स्टाल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको लोग दुनिया में रखा। आज सबसे मान्यता प्राप्त है। इसमें जो सवाल था ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि आज से लगभग इतना साल, बहुत साल पहले, लगभग 70 साल करीब हो जाएगा, उस समय डीएनए पर बहुत सारा काम चल ही रहा था। लोग ये सवाल मन में आ रहा था, एक डीएनए से अगर 2 डीएनए बनेगा तो 2 डीएनए कैसा होगा। तो किसी ने कहा कि ऐसा होगा कि एक तो यही डीएनए है और एक फोटोकॉपी होगा, लाइक दिस वन। मतलब ये जो है, दोनों स्ट्रैंड जो है वो एज यूजुअल रहेगा, इसको स्कैन करके न्यू बनेगा, मतलब हो गया न्यू, और ये हो गया कंजर्व्ड। कुछ लोगों ने प्रिस्क्राइब किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये बड़ा रैंडम होगा, ठीक है, बोला कि ऐसा नहीं है, एकदम ब्लेंडेड होगा। ब्लेंडेड मतलब जो पेरेंट स्ट्रैंड है उसमें भी, मतलब आप देख एक एक डायग्राम देख सब समझ सकते हैं, उसमें भी ये इस तरीके से डिफ्यूज्ड होगा। इसको बोलेंगे हम लोग डिफ्यूज्ड, ऊपर नीचे इसी प्रकार से, ठीक है। मैं 2 कलर यूज कर रहा हूं, ब्लू जो है वो न्यू स्ट्रैंड के लिए है और ब्लैक जो है वो पेरेंट स्ट्रैंड के लिए। इस तरह से डिफ्यूज होगा। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, एक एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा वो न्यू होगा, मतलब सेमी कंजर्वेटिव। और जब इन तीनों मॉडल के बारे में दिमाग में आया लोगों को, इन तीनों में से कौन हो सकता है, पहला हो गया कंजर्व्ड, दूसरा हो गया डिफ्यूज्ड, तीसरा हो गया सेमी कंजर्वेटिव। तो हुआ कि लेट्स डू एक्सपेरिमेंट, हम लोग एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हैं कि तीनों में से कौन सा हाइपोथेसिस सही है। मिजेलसन और स्टाल ने भी इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को लिया, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है पेरेंट, और इसको इन्होंने लगातार कई जनरेशन तक N15 मीडियम में डाला, N15 मीडियम, ठीक है, N15 मीडियम फॉर मेनी जनरेशंस। और आप लोग पढ़े हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, मेनी जनरेशंस, कई जनरेशन करने के बाद N15, मतलब हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये जो डीएनए था वो कंप्लीटली N15 का हो गया। अब ये जो है, जो पेरेंट डीएनए है वह N15 का है और इसे बोला गया हेवी, ठीक है। अब ये बन गया तैयार हो गया पेरेंट डीएनए। अब साइंटिस्ट ने इसको यूज किया अपने पर्पस के लिए, ठीक है, देखिए कैसे यूज किया। ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब,
इसमें मीडियम है। अब क्या है इसमें, इसमें N14 मीडियम है, इसमें भी N14 मीडियम है और इसमें भी N14 मीडियम है। हम सब जानते हैं कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होता है जिसमें N14 होता है। और ये हो गया पैरेंट डीएनए जिसमें क्या है, N15 है। इसमें क्या हुआ, दो नए डीएनए बनकर तैयार, जो दोनों नए डीएनए थे वो सेमी कंजर्वेटिव अर्थात हाइब्रिड थे, N15 N14 हाइब्रिड, ठीक है, ना ही हैवी थे ना ही लाइट थे, तो हाइब्रिड मिलना शुरू हो। बोला कि अच्छा ठीक है, बोला फिर से इसको एक बार डालते हैं इस मीडियम में। तो जब फिर अगला जनरेशन में इसको बढ़ाया गया तो क्या मिला, देखिए सब लोग, एक तो हाइब्रिड मिला और दो जो है बिल्कुल लाइट चेन मिले। अब यहां पर जो रिजल्ट है बड़ा यूनिक रिजल्ट है, ये तो N15 N14 मिला। अब एक जो जनरेशन है वो है सिर्फ N14 का, मतलब लाइट, ठीक है। ये जो बात लोगों ने देखा ध्यान से, उनको लगा कि हमको हाइब्रिड क्यों मिल रहा है, ठीक है ना। हाइब्रिड इसलिए मिल रहा है क्योंकि एक पेरेंट स्ट्रैंड था और एक नया स्ट्रैंड, नया स्ट्रैंड जो बन रहा है जैसे ब्लैक वाला जो है वह मीडियम से नाइट्रोजनस बेस ले रहा है जिसमें N14 है। तो पूरा का पूरा जो एक लाइन है वो क्या है, ब्लैक ही हो गया, मतलब N14 है। यहां उन्होंने सेल जो मीडियम यूज किया उस मीडियम में N14 का जो सोर्स था वो था अमोनियम क्लोराइड, इसमें N14 था, ठीक है, ये N14 था अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम क्लोराइड जो है वो N14 मीडियम में था और जहां N15 मीडियम था वहां पर भी अमोनियम क्लोराइड ही लिया था उन्होंने, और ये अमोनियम क्लोराइड जो था वो था हेवी। तो क्लियर कट एक बात समझ में आने लगी कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है एक स्ट्रैंड तो पेरेंट का ही होता है लेकिन एक स्ट्रैंड जो है वो नया होता है, और जो नया स्ट्रैंड है ब्लैक वाला देख रहे हैं वो अपने मीडियम से नाइट्रोजनस बेसिस को लेता है। अब उन्होंने क्या किया, इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूज्ड कर दिया सीजियम क्लोराइड में, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। अब सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया तो देखिए ये कैसे मिलते हैं तीनों, जो पिछले तीन डायग्राम बनाए हैं वह देखिएगा कैसे मिलेगा। ठीक है, पहला जो है नंबर वन पूरी तरीके से हेवी है, तो हेवी जो था उसका जो बैंड है वो बैंड यहां नीचे मिल रहा, ठीक है। दूसरा जो है वो हाइब्रिड, हाइब्रिड का जो बैंड था वो बीच में मिल रहा, और तीसरा डायग्राम में हाइब्रिड और लाइट दोनों है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में जो उनका लोकेशन था
जो हैबिट था उसका तो बीच में मिल रहा था, लेकिन जो लाइट था वह ऊपर मिल रहा। कहने का तात्पर्य है कि जो जितना भारी था उतना नीचे था। उसको जब रिप्रेजेंट किया गया, ये दोनों स्ट्रैंड जो था वो N15 का था, ठीक है। हैवी ये वाला बैंड है N14 हाइब्रिड का, ये भी और ये भी। और ब्लू वाला बैंड जो है वह था N14। इस प्रकार से यह सेंट्रीफ्यूगेशन क्लियरली बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वह सेमी कंजर्वेटिव है।